हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन CST के बारे में। CST मुंबई के बोरी बंदर इलाके में बनाया गया था और CST का नाम 2017 में CSMT रख दिया गया। ये चेंज इसलिए किया गया क्योंकि CST का मतलब है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लेकिन बाद में नाम से पहले महाराज लगा दिया गया। अभी CSMT हो गया है, 2017 में चेंज हुआ। ये CSMT मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक टाइम पर ये VT नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों द्वारा ये 1887 में शुरू किया गया। महारानी विक्टोरिया के शासन संभालने की गोल्डन जुबली की याद में इसे बनाया गया था। इसे बनाने की लागत 16,13,000 रुपये उस वक्त आई थी। इस वक्त इसमें 30 लाख यात्री डेली सफ़र करते हैं। इसका बनने का काम 1878 ईस्वी में चालू किया गया था और 1888 ईस्वी में यह कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया गया क्योंकि महारानी विक्टोरिया के नाम पर यह रख दिया गया। बाद में 1996 में इसका नाम चेंज कर CST रख दिया गया और 2017 में इसका नाम CSMT रख दिया गया। तो 3 बार इसका नाम चेंज हुआ है। उस टाइम इसमें केवल 5 से 6 प्लेटफॉर्म थे, आज के टाइम में इसमें टोटल 18 प्लेटफॉर्म है। और आज की बात में बता दूँ तो इसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसमें अलग अलग प्रकार की लाइटें जलती हुई देखिए, बैंगनी कलर की लाइट जली हुई है। थोड़ी देर बाद ये लाइट चेंज हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, अलग अलग कलर की लाइट। रात में काफ़ी सुंदर लगता है ये। और इसमें बीच में एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ से आप फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। और काफ़ी ट्रैफिक वाला ये एरिया है। 2008 में मुंबई में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में सबसे पहला टारगेट CST स्टेशन ही था। यहाँ पर कसाब और उसके साथियों ने गोली चलाकर 58 लोगों की जानें ले ली थी। इसी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में रहा था। You say